दोस्तों, हम लोग अक्सर कभी ना कभी ये बात सोचते ही रहते हैं कि आखिर पृथ्वी कैसे बनी, कैसे हुई पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का जन्म कहां से हुआ। इन सवालों का जवाब जानने के बारे में सबके मन में एक उत्सुकता सी रहती ही है। आखिर क्या है पृथ्वी का इतिहास। धार्मिक तौर पे देखा जाए तो कहा जाता है कि धरती भगवान ने बनाया है और फिर उस पर पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और मनुष्यों को बनाया है, परंतु विज्ञान इस बात को नहीं मानता है। और हम स्कूल में और किताबों में भी यही पढ़ते आए हैं कि धरती सूरज से निकला हुआ एक आग का गोला था, फिर ठंडी हो गई और फिर जीवन की उत्पत्ति हुई। क्या कभी सोचा है कि वो आग का गोला ठंडा क्यों हुआ होगा? कभी सोचा है कि आग में पानी कहाँ से आया होगा? कभी सोचा है चांद कैसे बना? ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं पृथ्वी का इतिहास या धरती की उत्पत्ति के बारे में। आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ था। इस धमाके में एक बहुत बड़ा आग का गोला बना जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। इस तरह हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। कई मिलियन साल तक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती के बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से ऊपर ग्रह सौर मंडल में सूर्य के चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी, जिसके फलस्वरूप लगभग 4.54 बिलियन साल पहले धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। अगर धरती पर कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जलवाष्प। एक ऐसा माहौल था जिसमें हम चंद पलों में दम घुटने से मर जाते। उस समय कोई भी सख्त सतह नहीं थी, कुछ था तो बस ना खत्म होने वाला उबलता हुआ लावा। उसी समय एक नया ग्रह जिसका नाम सिया था धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसका आकार मंगल ग्रह जितना था। इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, जो कि बंदूक से चली हुई गोली से 20 गुना ज्यादा है। जब यह धरती की सतह से टकराया तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे कई ट्रिलियन कचड़ा धरती से बाहर निकल गया और वह ग्रह धरती में विलीन हो गया। कई हजार साल तक गुरुत्वाकर्षण अपना काम करती रही और धरती से निकले हुए कण कई हजार साल तक इकट्ठा कर धरती के इर्द गिर्द एक चक्कर बना दिया। इस चक्कर से एक गेंद बनी जिसे हम चांद कहते हैं। ये चांद उस समय 22,000 किलोमीटर दूर था, जबकि आज ये 4,00,000 किलोमीटर दूर है। दिन जल्दी बीत रहे थे, लेकिन धरती में बदलाव धीरे धीरे आ रहे थे। 3.9 बिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में बचे चट्टानों का धरती पर हमला होने लगा। आसमान से गिरते इन उल्का में एक अजीब से क्रिस्टल थे जिन्हें आज हम नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जिन महासागरों से हम नमक निकालते हैं, समुद्र का पानी इन्हीं गिरने वाले उल्का के अंदर मौजूद नमक से निकला है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर उल्का में मौजूद इतना कम पानी सागर की उत्पत्ति कैसे कर सकता है। तो इसका जवाब है कि ये उल्का धरती पर 20 मिलियन साल तक गिरते रहे, जिसके कारण धरती पर काफी पानी इकट्ठा हो गया। आखिर कैसे बनी पृथ्वी की कठोर सतह। धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी और उबलती चट्टानें ठंडी होने के कारण सख्त होने लगी, लेकिन धरती के अंदर लावा उसी रूप में मौजूद रहा। धरती का ऊपरी तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। धरती की सतह भी सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण में बदलाव लाने के लिए ये तापमान और हालात एकदम सही थे। धरती पर आज जो पानी है वह कई बिलियन साल पहले का है। इसी पानी के नीचे सारी सख्त सतह ढक चुकी थी। चांद धरती के अधिक पास होने के कारण उसके द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से धरती पर एक तूफान सा आने लगा। उस तूफान ने धरती पर उथल पुथल मचा दी। समय के साथ साथ धरती से दूर होता गया और तूफान शांत हो गया। पानी की लहरें भी शांत हो गई। अब धरती की छाती से लावा फिर से निकलने लगा
और छोटे छोटे द्वीप बनने लगे और उसके साथ साथ जीवन की शुरुआत भी होने लगी। आखिर कैसे शुरू हुआ जीवन? 3.8 बिलियन साल पहले धरती पर पानी भी पहुंच चुका था और ज्वालामुखी फूट फूट कर छोटे छोटे द्वीप बना रहे थे। उल्काओं की बारिश अभी भी रुकी नहीं थी। पानी और नमक के अलावा ये उल्का और भी कुछ ला रहे थे, कुछ ऐसे खनिज पदार्थ जो जीवन की उत्पत्ति करने वाले थे। ये खनिज पदार्थ थे कार्बन और एमिनो एसिड। ये दोनों तत्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीव जंतु और पौधों में पाए जाते हैं। ये उल्का पानी में 300 मीटर नीचे चले जाते थे, जहां सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती थी। धीरे धीरे ये उल्कापिंड ठंडे होकर जमने लगे। इन्होंने एक चिमनी का आकार लेना शुरू कर दिया और ज्वालामुखी में पड़ी दरारों में पानी जाने से धुआं इन चिमनियों से निकलने लगा और पानी एक केमिकल सूप बन गया। इसी बीच पानी में समाहित केमिकलों के बीच ऐसा रिएक्शन हुआ जिससे माइक्रोस्कोपिक जीवन का प्रारंभ हुआ। पानी में सिंगल सेल बैक्टीरिया उत्पन्न हो चुके थे। अब सवाल ये उठता है कि बिना पौधों के कहां से आई ऑक्सीजन? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 3.5 बिलियन साल पहले जाना पड़ेगा। ये वो समय था जब समुद्र की निचली सतह पर चट्टानों जैसे पेड़ पत्ते उग रहे थे। इन्होंने एक कॉलोनी बना ली थी और इन पर जीवित बैक्टीरिया थे। इन पत्तों को एस्ट्रोमेटोलाइट कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते थे। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें यह सूर्य की किरणों की ताकत से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देता है, जिसे सुगर भी कहा जाता है। समय की गति के साथ सारा सागर ऑक्सीजन गैस से भर गया। ऑक्सीजन के कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगी, जिससे लोहे के अस्तित्व का पता चला। लहरों के ऊपर ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी थी। यही वो गैस है जिसके बिना धरती पर जीवन असंभव है। धरती के ऊपर ज्वालामुखी फटने का सिलसिला अभी जारी था। ज्वालामुखी के साथ निकलने वाले लावा के साथ गैसें और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी। वातावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य की किरणों को सोखना शुरू कर दिया, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण सागर के जल से बादल बने और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में मिलकर अम्ल वर्षा की। बारिश के साथ आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाने से कुछ हजार सालों में तापमान घटकर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस स्थिति वाली धरती को बर्फ की गेंद भी कहा जाता है। चारों तरफ बर्फ हो जाने के कारण सूर्य की किरणें धरती से परावर्तित हो जाती थी और तापमान बढ़ नहीं पाता था। बर्फ और बढ़ती जा रही थी। पूरी धरती बर्फ की चादर से ढक गई थी। दोस्तों, आखिर बर्फ पानी में कैसे बदला? धरती का केंद्र अभी भी गर्म था। ज्वालामुखियों का फटना भी जारी था, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी उसे पिघला नहीं रही थी। परंतु अब कोई ऐसा स्रोत नहीं था जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख पाता। सारे चट्टान और पत्थर बर्फ के नीचे दब चुके थे। एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी ताकत दिखाई और सूरज की गर्मी को सोख कर बर्फ को पिघलने पर मजबूर कर दिया। अब तक दिन भी 22 घंटों के हो गए थे। आखिर किन कारणों से हुआ भूमि पर जीवन संभव? बर्फ पिघलते समय सूर्य से आने वाली परावैगनी हानिकारक किरणों से एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे पानी में से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनी और उसके टूटने से ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन गैस 50 किलोमीटर ऊपर वातावरण में पहुंची तो वहां भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे ओजोन नाम की एक गैस बनी जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने लगी, जिसने जीवन की शुरुआत को एक आधार दिया। अगले 150 मिलियन साल तक इस गैस की परत काफ़ी मोटी हो गई। इसके साथ ही पेड़ पौधे अस्तित्व में आए और ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ने लगी। एसिड रेन का असर खत्म हो रहा था। सागर का पानी भी नीला हो चला था और धरती नीली ग्रह बन गई थी। पेड़ पौधे फिर उगने लगे। अब वक्त था डायनासोर का।
इनके बढ़ने के साथ ही ज्वालामुखी फटने के कारण नए नए द्वीपों का निर्माण हो रहा था। उन प्लेटों की गतिविधि से सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर कई महाद्वीपों में बढ़ रहा था। 65 मिलियन साल पहले एक बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से बड़ा क्षुद्र ग्रह 70,000 किलोमीटर की गति से धरती की तरफ आ रहा था। उसका केंद्र मैक्सिको था। इसके गिरने से कई मिलियन न्यूक्लियर बम जितनी ताकत पैदा होती है। इसके गिरने के बाद धरती पर सब कुछ तबाह हो गया और वायुमंडल में धूल का घना कोहरा छा गया। भूमि का तापमान 275 डिग्री सेल्सियस हो गया था। सारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अंत हो गया था। एक बार फिर से धरती के वातावरण में बदलाव आया और सब कुछ सामान्य होने पर शुरुआत हुई स्तनधारी जीवों की, जो आज तक चल रही है। होमो सेपियंस इंसान की वो जाति जिसमें हम सब आते हैं। इनका विकास 40,000 साल पहले हुआ था। इसके बाद वो दुनिया बनी जो आप आज देखते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे हुआ हमारी पृथ्वी का जन्म और इसके बारे में कुछ तथ्य जो हमने अभी देखा और जाना। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइबर बढ़ा दो ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,